अलवर नगर परिषद द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर अलवर शहर के अग्रसेन सर्कल पर विशेष अभियान के तहत रेहड़ी पटरी वालों को समझाइश का प्रयास किया गया। इस दौरान जहां मौके पर नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीना स्वयं मौजूद रहे, वहीं इस दौरान नगर परिषद से जुड़े कर्मचारी और अधिकारियों ने कचरा फैलाने वाले ठेली पटरी वालों को पहले समझाया, इसके बाद में एक न्यूनतम राशि जुर्माना वसूलते हुए भविष्य में कचरा न फैलाए जाने की हिदायत दी। इस मौके पर बहुत से दुकानदार इस कार्रवाई को लेकर डरे हुए नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी वह जिक्र करने से नहीं चूके कि प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करके उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, जबकि वास्तविक रूप से ठेली पटरी से जुड़े दुकानदारों द्वारा न सिर्फ आए दिन कचरा फैलाया जाता है, बल्कि राजस्थान में 10 वर्ष पूर्व प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग कर जिले सहित प्रदेश के वातावरण को दूषित किए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जब अलवर न्यूज द्वारा नगर परिषद आयुक्त से इस कार्रवाई को लेकर बात की गई, तो नगर परिषद आयुक्त का साफ तौर पर कहना था कि वह सफाई अभियान के साथ साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के मौजूदा दौर को समाप्त करने के लिए भी कई बड़ी कार्रवाई इन प्लास्टिक कैरी बैग से जुड़े होलसेल मार्केट पर भी जल्द करने वाले हैं। साथ ही लोगों को समझाइश कर सफाई व्यवस्था बेहतर बनाए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। टीम द्वारा जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी पे यह बार बार शिकायतें आ रही है कि लोग बाग जितने भी सब्जी वाले हैं और ये फ्रूट्स के जो ठेली लगाते हैं, ये पूरा कचरा शाम के टाइम डिवाइडरों पे डाल करके चले जाते हैं। हमारी नगर परिषद की टीम रात को 8 बजे उसको संपूर्ण साफ करके जाती है और फिर भी वो सुबह सुबह यहाँ पे कचरा डाल देते हैं, और मंडी का जो कचरा है तो वो मेन गेट पर बाहर ही डाल देते हैं। इसके तहत में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी आदेश दिए गए और नगर परिषद की टीम द्वारा भी आज जितने भी यहाँ पे जो ठेले हैं सब्जी वाले हैं, सबसे हम कचरा के जो यूजर चार्ज है 100-100 रुपये का प्रथम टाइम हम जुर्माना लगा रहे हैं। अगली बार भी यदि ये नहीं मानते हैं और कचरा फैलाते हैं तो इन पे 250 रुपये, उसके बाद में 500 रुपये तक का हम जुर्माना लगाएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानते तो इनके जितनी भी थैली है इनको जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग भी बहुत मात्रा में मिल रही है, तकरीबन 10 साल हो गए इस नियम को लागू हुए, क्या लग रहा है व्यवस्था क्या है? नहीं, हम अभी क्योंकि ये फुटकर व्यापारी हैं जिनके पास में इतना वो नहीं है, अब हम प्लान बना करके जितने भी यहाँ थोक व्यापारी हैं उन थोक व्यापारियों पे हम छापा डालने की कार्रवाई करेंगे, अगर उसमें पाई जाती है तो उनके विरुद्ध न्यायालय में केस दर्ज करवाएंगे।